राजस्थान में भाजपा बहुत ही जल्द अपने 48 प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह भाजपा की ओर से 48 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। ये 48 प्रत्याशी वो हैं जो ए कैटेगरी और डी कैटेगरी में शामिल है। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में से बीजेपी ने इस बार अलग अलग कैटेगरी में टिकटों को, सीटों को, विधानसभा क्षेत्रों को बांटा है और ऐसे में 48 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी सूची बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। और इन 48 जो प्रत्याशी हैं उनमें से 29 प्रत्याशी हैं वो ए कैटेगरी के हैं जहां पर बीजेपी मजबूत है, और ऐसे में 19 ऐसे विधानसभा सीटें हैं या फिर 19 ऐसे प्रत्याशी हैं जो डी कैटेगरी विधानसभा क्षेत्रों पर लड़ेंगे जो बीजेपी के लिए बहुत ही कमजोर है। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह का जो राजस्थान अचानक दौरा हुआ था, उसके बाद लगातार राजस्थान के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, उसके बाद से ये बातें सामने आ रही है कि वहां से अमित शाह इस बात को लेकर नाराज भी होकर गए थे कि आपने अपनी ओर से कोई पैनल जो है प्रत्याशियों की सूची तैयार नहीं किए हैं और हमारी ओर से जो पैनल तैयार हैं उसमें और आपके पैनल में हम लोग मैच करना चाहेंगे, मिलान करना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रत्याशी मैदान में होंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से दो दो तीन तीन नाम मांगे गए थे। अब ये 48 जो प्रत्याशी हैं वो कौन कौन से क्षेत्र से होंगे, तो अलग अलग राजस्थान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं, जहाँ पर मारवाड़ से भी कुछ सीटें हैं, कुछ मेवाड़ से हैं, हाड़ोती से हैं, अलग अलग जगहों से तमाम जो सीटें हैं। ऐसे में अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बाड़मेर जिले की कितनी विधानसभा सीटें हैं जिनमें जो हैं वो जिनकी प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी अगले सप्ताह हो सकती है। तो बता दूं कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र और सिवाना विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची बहुत ही जल्द आने वाले 2-4-5-7 दिन के अंदर आ जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 और 5 अक्टूबर को राजस्थान में बड़ी सभाएं हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने के बाद जो बीजेपी की एक सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये जानना जरूरी है कि बाड़मेर में बीजेपी इस बार किस पर विश्वास करेगी, किसको टिकट देगी। तो वर्तमान की अगर बात करें तो बाड़मेर बीजेपी में प्रमुखता से दो नाम सामने आ रहे हैं, कैलाश चौधरी और प्रियंका चौधरी। अब इन दोनों नामों पर सहमति नहीं बनती है तो तीसरा नाम जो विकल्प के रूप में इस बार आ रहे हैं वो दो नाम है, महेंद्र चौधरी डौकिया और इसके अलावा रूपाराम सारण का भी नाम सामने आ रहा है। अगर इन दोनों नामों पर सहमति नहीं बनती है इसका कारण ये है कि कैलाश चौधरी ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने हैं। ऐसे में प्रियंका चौधरी के नाम पर मुहर लगना लगभग तय था और अब ये बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि प्रियंका चौधरी के नाम को लेकर तमाम प्रकार के सतपाल मलिक को लेकर को जो बातें हुई, उसके बाद सीबीआई की हुई, इसी प्रकार की जो बातें हैं वो यहीं के नेताओं ने वहां तक पहुंचाई हैं। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि प्रियंका चौधरी की टिकट जो है इन कारणों से कटेगी। अब ये बात भी सामने आ रही है कि प्रियंका चौधरी और कैलाश चौधरी को अगर टिकट नहीं देती है तो विकल्प के रूप में बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र चौधरी या फिर जो है रूपाराम सारण पर पार्टी विश्वास कर सकती है। इसके अलावा अगर सिवाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो प्रमुखता से नाम सामने आ रहे हैं वो हमीर सिंह भायल का नाम सामने आ रहा है जो वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा जोगेंद्र सिंह सिलोर जो युवा नेता हैं और भाजपा के प्रदेश संगठन में भी उन्होंने काम किया है उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा सोहन सिंह भायल और खेत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी की अगर वर्तमान की बात करें तो मोटा मोटी रूप से हमीर सिंह भायल का नाम जो है वो उभर कर सामने आ रहा है और इसके बाद दूसरे नंबर पर जोगेंद्र सिंह सिलोर हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन दोनों जो विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर की हैं इसमें भाजपा की पहली सूची में किस पर भाजपा जो है विश्वास जताएगी और इसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जो है वो प्रत्याशियों की सूची भाजपा कब जारी करेगी। और साथ ही साथ जनता इस बात का भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस भी इस बार चुनाव को लेकर अपनी लिस्ट कब जारी करेगी।